नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी न्यूज, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे आप सभी के पसंदीदा शो परिणीति की। जी हां दोस्तों, क्योंकि आप सभी के फेवरेट शो परिणीति की कहानी में आ गया है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि शो में आ रहा है 3 साल का लीक और एक नए कलाकार की एंट्री भी शो में नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर नीति ने जो है वो पूरी कोशिश की कि वो परी की जान ले ले, और सबको अब ये लगने भी लगा है कि परी की जान जा चुकी है, परी अब इस दुनिया में नहीं है। जी हाँ, राजीव बहुत कोशिश करता है अपनी परी को ढूंढने की, यहाँ तक कि वो खुद पहाड़ी से नीचे कूद जाता है अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए, मगर अफसोस की बात यह है कि उससे पहले ही परी जो है खुद को सेव कर लेती है और यहाँ पर परी राजीव से और राजीव परी से नहीं मिल पाते हैं। और घर वालों को राजीव को नीति को सबको ये गलतफहमी हो जाती है कि परी जो है अब वो इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ परी अब इंतकाम लेना चाहती है, अपना बदला लेना चाहती है नीति से, और ऐसी दुश्मनी लेकर लौटना चाहती है कि नीति की दुनिया उजड़ जाए। ऐसे में आपको बताते चले कि परी की गैर मौजूदगी में नीति जो है वो परी का सब कुछ अपने नाम कर लेगी, सारा परिवार, पैसा, प्रॉपर्टी, उसका पति, सब जगह वो अपना नाम लिखवा लेने वाली है। दूसरी तरफ कहानी में एक नई एक्ट्रेस आने वाली है, वो एक्ट्रेस अब किस किरदार के लिए आ रही है, जैसे कि पॉजिटिव रोल में आ रही है या नेगेटिव रोल में आ रही है, या फिर वो परी ही होगी एक नए रूप में नजर आ रही है। मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि न्यू एंट्री जो है वो क्यों कराई जा रही है शो में और किसके बिहाफ पर कराई जा रही है, मतलब पॉजिटिविटी की तरफ से या नेगेटिव की तरफ से, या फिर परी का साथ देने के लिए या फिर वो नीति की साथ देने के लिए है। तो काफी एक कंफ्यूजन भरा ट्विस्ट है और अब तक जानकारी भी नहीं है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मगर जैसे ही जानकारी मिलती है कि जो नई एक्ट्रेस आ रही है शो में वो जो है परी के नए रूप के तौर पर आ रही है या फिर परी को सपोर्ट करने आ रही है, उसका बदला लेने के लिए उसमें उसका सहयोग करेगी, उसकी मदद करेगी ताकि वो नीति से अपने सारे दुख दर्द का बदला ले सके, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी 3 साल का लीप बाकी है। तो पहले लीप आएगा और उसके बाद उस कहानी का एक छोटा सा प्रोमो आएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे आगे की कहानी में क्या चलने वाला है। पर तब तक के लिए आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि तब तक के लिए आप लोग बस थोड़ा सा इमोशनल भरा ट्रैक जरूर देखेंगे, तो उस इमोशनल ट्रैक के लिए तैयार रहिए और अपने फेवरेट सीरियल परिणीति के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।